यद का ही पुरुषार्थ होता है हाई जंप मारने का। बाप का पूरा परिचय बुद्धि में नहीं बैठा है तो पुरुषार्थ भी पूरा नहीं होता है। बाप का पक्का परिचय बुद्धि में बैठ जाएगा कि बाप क्या है तो जरूर हाई जंप लगावेंगे। अभी पढ़ाई पूरी हो गई है क्या? तो जब पढ़ाई पूरी नहीं हुई है तो परिचय भी पूरा नहीं मिला हुआ है। कहेंगे बाप का परिचय भी पूरा नहीं मिला तो आत्मा को अपना परिचय भी पूरा नहीं मिला। आत्मा पार्टधारी है, पार्टधारी अपने अनेक जन्मों के पार्ट को ही न जाने तो अज्ञानी पार्टधारी है, बेवकूफ पार्टधारी है। बच्चा अपने आप को नहीं जानता, अपने बाप को नहीं जानता, बाप के वर्षे को भी पूरा नहीं जानता। पूरी अपनी आत्मा की पहचान हो जाए, अपने बाप की पहचान हो जाए, बाप से क्या प्राप्ति होती है उसकी पहचान हो जावे तो ये सारी दुनिया भूल जावे, एक बाप ही याद आवेगा। परंतु ड्रामा बना हुआ है, ऐसी अवस्था पिछाड़ी को ही होगी। जब एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार होगी, जब तक तुम्हारी पूरी राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश हो नहीं सकता, और जब तक विनाश का डंका नहीं बचता है तब तक पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज भी नहीं आवेगी। जैसे ड्रामा होता है, नाटकबाजी करते हैं, तो नाटक का जब लास्ट सीन आता है तो सब खड़े हो जाते हैं, तो उस समय पुरुषार्थ में सब खड़े हो जाएंगे, सबको बाप का परिचय मिलेगा। और तीखा पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। और कब तक आप हाई जंप ट्राई कर सकते हैं? कब तक ट्राई कर सकते हैं? ट्राई करो। अगर हाई जंप नहीं दे सकते तो पेड़ की चोटी पे चढ़ के नारद की मिसल हाई जंप लगा दो। नारद नहीं, पर्वत मिसल। और पांच पांडवों में युधिष्ठिर अंत तक रहता है कहा? पहले बुद्धा और बाद में द्रौपदी मरती है कहा? बाद में द्रौपदी, बाद में द्रौपदी नहीं, पहले द्रौपदी। वो तो कुत्ता है, कुत्ते की बात छोड़ो, मनुष्यों की बात करो। थोड़ा 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 धीरे धर। हाँ और आज तीनों को एक का ही पाठ पता है, है?
एक ही बात है ना युधिष्ठिर जी, युधिष्ठिर भी एक के लिए कहा और अर्जुन भी एक के लिए कहा, भीम भी एक के लिए कहा, बस एक की तो बात ही छोड़ दो, वो तो तुरिया पाठधारी है, क्योंकि सारी दुनिया का बीज है, ऐसी कोई बात नहीं है जो तेरे पर लागू न होती हो। युधिष्ठिर की बात छोड़ो, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, देवता हो या राक्षस हो, कोई भी बात नहीं रहती जो उसके ऊपर लागू न होती हो। पहले एक के ऊपर सारी बात लागू हो, फिर नंबर बार औरों के ऊपर लागू होगी। जैसे अर्जुन कोई एक का नाम नहीं है, वैसे युधिष्ठिर भी कोई एक का नाम नहीं है। हाँ, ये कहेंगे कि युधिष्ठिर धर्मराज है, धारणाओं का राजा है, तो धारणा करने वाले देवात्माएं अनेक हैं, उनमें जो अव्वल नंबर है वो युधिष्ठिर है, बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि राम की आत्मा धर्मराज है। हाँ, ये कहेंगे कि आखिरी ने उसमें ही प्रवेश करके, राम वाले व्यक्तित्व में ही प्रवेश करके, युद्ध में स्थिर रहने वाली आत्मा अपना शरीर छोड़ने के बावजूद भी पूरा पुरुषार्थ करके दिखाती है, इसलिए युधिष्ठिर है। और पढ़ने का है या नहीं पढ़ने का है? पढ़ने का है, डंगली पढ़ाई। डॉग कुत्ते को कहा जाता है, कुत्ते की पढ़ाई पढ़ेगा नहीं, नहीं पढ़ना। के बात करना। गॉडली पढ़ाई पढ़ेगा, गॉडली पढ़ाई तो यही पढ़ाई जाती, गॉडली पढ़ाई तो गॉड ही पढ़ाता है, है? पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा? पढ़ेगा। कौन सी? आ, आ? अरे गॉडली पढ़ाई पढ़ेगा कि डॉगली पढ़ाई पढ़ेगा? डॉगली पढ़ाई पढ़ेगा, कुत्ता कुतिया बनना पड़ेगा, है? बनेगा नहीं, ये क्या बात हुई? और बाबा दो भाई है बाबा, वो एक भाई तो मतलब पीके से आए, वो एक साल से गीता पाठशाला में जा रहे हैं बाबा, लेकिन भर्ती नहीं करेंगे, तो उनके माँ बाप कह रहे शादी करने के लिए। तो वो भाई का प्रश्न है कि एक कुमार 700 ब्राह्मणों से उत्तम है ना बाबा, तो अगर शादी के बाद अगर वो पवित्र रहेंगे तो उनका दर्जा क्या होगा? ये मनमत है या शिव बाबा की मत है कि शादी के बाद पवित्र रहेंगे? है? मनमत है। बाबा ने तो बता दिया शादी के बाद पहले ही दिन लुढ़क पड़ेंगे। और एक भाई का प्रश्न है कि शादी करने के बाद भट्टी कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, दोनों मिलकर के आओ, ऐसे थोड़े ही खुद शादी कर ली, दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर दी और खुद ज्ञान में चलने लगो, उसको धक्का देके नरक में डाल दो। अंजाम किया है, एग्रीमेंट किया है दोनों ने, तो साथ साथ चल के दिखाओ। और
के हाथ से बनाई हुई खाना खा सकते हैं क्या? लौकिक कन्या के जो संकल्प हैं, जो वाइब्रेशन है, वो शादी बर्बादी के चल रहे होंगे या ज्ञान के चल रहे होंगे? तो फिर संकल्पों का असर नहीं पड़ेगा खाना खाने वाले के ऊपर है? उसकी दृष्टि में क्या भरा हुआ है? उसकी दृष्टि में तो विकार की बातें भरी हुई हैं। उसके हाथों से, उसकी दृष्टि से वाइब्रेशन निकलते हैं, वो विकारी वाइब्रेशन खाने के ऊपर असर नहीं डालेंगे। तो खाने वाले के ऊपर असर पड़ेगा या नहीं है? जरूर पड़ेगा। विष्णु की चार पूजाओं में अंतर्देव की लिए है, विष्णु की चार भुजाएं हैं और एक उनको चलाने वाला है, तो पांच हैं जो विष्णु कहे जाते हैं मिलकर। तो विष्णु संपन्न रूप है या पुरुषार्थी रूप है? संपन्न रूप है। विष्णु का पुरुषार्थी रूप कितने हैं? संपन्न रूप में तो चार भुजाएं हैं और उनको एक चलाने वाला है, माने पांच आत्माएं हैं। तो पुरुषार्थी रूप में कितनी आत्माएं हुई? चार। पांच है, एक चलाने वाला है। चलाने वाला है तो चलने वाली चार। राम वाली आत्मा पढ़ाई पढ़ती नहीं है, पुरुषार्थ नहीं करती है, याद नहीं करती है, तो फिर ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा से विष्णु बनने वाला नहीं है। तो पांच आत्माएं ब्रह्मा, तो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। उनमें नंबर वार ब्रह्मा होंगे या सब एक जैसे ब्रह्मा होंगे? नंबर वार ब्रह्मा है तो नंबर वार उनकी प्रजा होगी, फॉलोअर्स होंगे। तो जो ऊंचे से ऊंचे कहा जाता है उसके लिए गायन है यथा राजा तथा प्रजा। वो सारे ही पक्के सूर्यवंशी हैं और उन सूर्यवंशियों की लिस्ट में से आठ निकलते हैं। जो पक्के पुरुषार्थी धर्मराज की भी सजाएं नहीं खाते, बाकी जो ब्रह्मा है उनके लिए तो बोल दिया ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है। मुख्य तो है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम किसके बच्चे हो और कौन से ब्रह्मा के बच्चे बनना चाहते हो? तो अष्टदेव कहां से निकलेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा के फॉलोअर्स होंगे या और ब्रह्मा के फॉलोअर्स होंगे? प्रजापिता ब्रह्मा के फॉलोअर्स होंगे। चार पूजा हो गए, लेफ्ट हैंड ऊपर वाला लक्ष्मी को बताया और नीचे जगदम्बा को बताया, तो फिर बाबा जब आखिरी बीच करके अंताक्षर ऊपर किसको बताया? लक्ष्मी वाला बड़ी माता को बताया। हाँ, फिर आदि की दृष्टि में आदि करते समय में होना चाहिए ऐसे कहा, तो फिर उनका और टाइम से वो माता सूर्यवंशी माँ को देंगे। हाँ, तो विष्णु के चित्र से सूर्यवंशी माँ का क्या कनेक्शन जोड़ दिया?
ताजा नहीं खाती। हाँ, कभी जैसे लक्ष्मी ताजा नहीं खाती है। जो पांच ब्रह्मा में से पहला ब्रह्मा है, वो ब्रह्मा सो जो विष्णु बनता है टॉप मोस्ट, तो उसके फॉलोअर्स भी टॉप के होंगे, वो सजाए नहीं खाएंगे। और पांचवें नंबर का ब्रह्मा होगा तो उसके फॉलोअर्स भी वैसे ही होंगे या टॉप के होंगे, वैसे ही होंगे, तो सजा खाने वाले होंगे। और लक्ष्य को तो प्राप्त कर ही नहीं सकेंगे। बीके से आए हुई ब्राह्मणियों ने बीके में ही पवित्रता रहती है वो मानती है, अद्वंत में पवित्रता नहीं है। अद्वंत में पवित्रता नहीं है, पवित्रता नहीं है अद्वंत में, ये आप मानते हैं? नहीं मानते हैं। आप उनकी बात पे क्यों सुनते हैं? आप क्यों बोल रहे हैं बड़ी सभा में अगर आप मानते नहीं है तो? देखो, आपके ऊपर असर पड़ा है तभी तो बोल रहे हैं। आप कंफर्म करना चाहते हैं पूरी सभा में? नहीं है बाबा। अरे अगर आपको ये निश्चय होता कि एडवांस माने ही आगे जाने वाला, ज्ञान में भी आगे जाते हैं, योग में भी आगे जाते हैं, और याद के बल पर धारणा में भी अंत में आगे जाते हैं, नहीं तो सन्यासियों की पवित्रता में और गृहस्थियों की पवित्रता में जमीन आसमान का अंतर है। उनकी कौन सी पवित्रता है और तुम्हारी कौन सी पवित्रता है? उनकी पवित्रता सन्यासियों की है या प्रवृत्ति भाई की पवित्रता है? उन्हें बोलने दो। वर्तमान में ही चल रही है, वो अद्वैत में ही चल रही है, लेकिन बीके में ही उनका मान्यता है, बीके में ही पवित्रता जो चल रहा है एडवांस में, और गीत गाता है बीके के, तो वो अपने बाप का बच्चा है या पराए बाप का बच्चा है? ऐसे ही समझाओ कि वो जो सफेद कपड़े वाले सन्यासी हैं, वो सन्यास धर्म की पवित्रता है या गृहस्थी धर्म की पवित्रता है? आप बताओ कौन सी पवित्रता होगी? क्या बताया? आप दो बातों में से एक बात बताइए पहले। सन्यासियों की पवित्रता सफेद कपड़े वाले, लाल कपड़े वाले, पीले कपड़े वाले, काले कपड़े वाले सन्यासियों की है या गृहस्थ वालों की है? तो जिन्होंने प्रश्न किया है वो किसको अच्छा समझते हैं? सन्यासियों की पवित्रता को अच्छा समझते हैं? मुझको तो ऐसा नहीं है बाबा, वो आपको सन्यासियों की पवित्रता अच्छी लगती है? तो उनसे पूछो, तो जिनकी तुम महिमा करते हो उनकी पवित्रता सन्यासियों की है या प्रवृत्ति मार्ग वालों की है? तो आप ये जवाब नहीं दे पाए ना? दो तीन बार जवाब दे चुके हैं, फिर आपकी भी बुद्धि में बैठ गया। और हाँ देखो, मुरली में देखा है उबाई ने, भगवान अंतर्यामी नहीं है। अच्छा, भगवान अंतर्यामी नहीं है? नहीं है क्या? मुरली में तो 20 बार का है, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। बोलने वाला है वो साकार है या सिर्फ निराकार है? साकार है, इसलिए बोला मैं घटघटवासी नहीं हूँ, एक एक के दिल को जानने वाला नहीं हूँ। अंतर्यामी है निराकार सिर्फ, और बहिर्यामी है साकार, इसलिए पोता मिल देने की व्यवस्था है।
अगर अंतर्यामी है तो पोता मिल लेने की क्या दरकार? वो निराकार तो अंतर्यामी है, परंतु जिस प्रैक्टिकल रूप में आता है उसे कैसे पता चले? इसलिए पोता मिल देने के लिए बोला कि मैं एक एक के दिल की जानने वाला नहीं हूँ, अंतर्यामी नहीं हूँ, बहिर्यामी हूँ। अव्वल नंबर ब्राह्मण और दूसरा नंबर ब्राह्मण लक्ष्मी नारायण जी रामेश्वर को जन्म देते हैं, माँ ने बच्चे को फॉलो किया इसलिए अव्वल नंबर ब्राह्मण और दूसरा नंबर ब्राह्मण लक्ष्मी नारायण जी राधे कृष्ण को जन्म देते हैं, माँ ने बच्चे को फॉलो किया इसीलिए चंद्रवंशी बनी। माँ ने बच्चे को फॉलो किया इसीलिए चंद्रवंशी बनी। सजा हुआ कहाँ? ये सजा हुआ कहाँ? सजा उन्होंने लक्ष्मी को प्राप्त किया। लक्ष्मी ने तो अपने लक्ष्मी को प्राप्त किया, लक्ष्मी को प्राप्त किया, नारी से लक्ष्मी बने। हाँ, फिर चंद्रवंशी बनी, ये सजा हुआ ऐसा सजा हुआ ये कि जो चंद्रवंशी बनते हैं उनको चंद्रमा को फॉलो करना पड़े। अगर सूर्यवंशी होती तो सूर्य को फॉलो करती, चंद्रमा को फॉलो किया तो आधीन बनी। राजा बनाने आया है शिव बाबा या रानी बनाने आया है? राजयोग सिखाता है या रानी योग सिखाता है? राजयोग सिखाता है तो सजा नहीं होगी। माना आधीन बनना ही सजा है, आधीन बनना सजा नहीं है? अरे ये आधीन बनना यही नहीं जानता है। नहीं बाबा, अपने नारायण के बोले हुए वाक्यों पर चलना आधीन करते, इसके वाक्यों पर चलना। किसके वाक्यों पर चलना? नारायण, नारायण के वाक्यों पर। लक्ष्मी नारायण को जानती है? नारायण का ज्ञान है उसे? अंत की बात कहाँ से आएगी? अंत की बात तो अंत में होगी। और बाबा सरेंडर माने क्या है? दो शब्द हैं, सर अंडर। सर में क्या है? जो मन बुद्धि है उसको एक के अंदर में कर दो। भले पति बंधन डालने वाला है तो पति के अंदर में नहीं करना, किसके अंदर में करना है? एक बेहद के बाप के अंदर में चलना, उसके लिए चाहे कोर्ट में चढ़ना पड़े। जो बंधन में डालते हैं वो कानून के बरखिलाफ काम करते हैं या कानून के अनुकूल काम करते हैं? बोलते का ही नहीं है, क्या कानून के बरखिलाफ काम करते हैं? धार्मिक स्वतंत्रता नहीं देते। जब धार्मिक स्वतंत्रता ही नहीं देते तो कहेंगे घर में बैठो, बाहर मत जाओ, मंदिर में मत जाओ, सत्संग में मत जाओ, यहां ज्ञान सुनने मत जाओ, वहां ज्ञान सुनने मत जाओ। कानून क्या कहता है? क्या कहता है कानून? कानून ये कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता हर एक को है, तो कोर्ट में चढ़ करके धार्मिक स्वतंत्रता ले सकती है माता। वो बकरियां हैं जो कहती हम बंधन में हैं, हम बंधन में हैं, हम बंधन में। शिव बाबा की चेहरी शक्तियां निकलेंगी। ये मुरली में बोला है, पहले राजाएं निकले जिन्होंने रानियों की परवाह नहीं की, अब रानियां निकलेंगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेंगी। बस
ऐसे नहीं है, आदि की ही बात है और अंत की ही बात है, अंत में ही निकलेंगी। अभी भी दो एक ऐसे मिसाल है, हो चुके हैं, जिन्होंने कोर्ट में चढ़ करके पति से लिखवा लिया हम ऐसा कोई भी बंधन नहीं डालेंगे, कोर्ट के कागज मौजूद हैं। और बाबा के साक्षात्कार के दिए हुए चित्रों में वो चित्र भी दिखाया। बंधन में है, बंधन में है, बंधन में है, तो किसके प्रति सरेंडर है? जिसके बंधन में है उसके प्रति सरेंडर है। अगर बाप के प्रति सरेंडर है, भगवान के प्रति सरेंडर है, तो जो भगवान कहेगा वही बात मानेंगी, औरों की बात नहीं मानेंगी। श्रीमत पर चलेंगी, कोई मनुष्य की मत पर नहीं चलेंगी। बाबा सरेंडर माने क्या? सेंटरों में मिनिमम दोनों में रहकर सरेंडर होना है या मन बुद्धि से सरेंडर होना है? सरेंडर का अर्थ ही क्या है? सर अंदर सर में क्या है? मन बुद्धि तो है, तो मन बुद्धि से जो अंदर हो जाएगा उसका तन न मन न धन रह जाएगा क्या? है? जो मन बुद्धि से सरेंडर हो गया उसका तो सब कुछ बाप का हो गया। ऐसे नहीं कहेंगे हम मन से सरेंडर हैं, तन से हम थोड़ी सरेंडर हैं। बाप तो मुरली में बोला है तन भी पूरा अर्पण करना पड़े, जैसे चलाए वैसे चले। तन तो मुख्य है, ये तन मन धन कहा जाता है। तन पहले आता है, तन से ही धन कमाया जाता है। तन की ताकत से ही जन का संगठन इकट्ठा होता है। माताएं तो भगवान के पास रह नहीं पाती, यहां रहने की बात कहां है? कोई जरूरी है कि भगवान के पास रहेंगे वही सरेंडर लिस्ट में गाए जाएंगे, माने जाएंगे? यहां तो श्रीमत पर चलने की बात है। बाप ने कौन सी मुरली में कहा अपना घर घर छोड़ करके यहां आके बैठ जाओ हमेशा के लिए? बाप ने तो कहा ही नहीं, भले घर घर स्थिति में रहो लेकिन श्रीमत पर चलो। भगवान के पास रहने की बात नहीं है, सारे के सारे इकट्ठे आके रह जाएंगे किंतु जगह कहां से आवेगी? माताएं तो बांधे ली है, तो क्या माताएं भी सरेंडर की लिस्ट में आ सकती है? नहीं आ सकती क्या? है? आ सकती है। किसी ने गीत गा दिया, कोई को गीत याद आ गया। सुना होगा बहुतों ने, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। इसका मतलब क्या है? अरे कोई मतलब होगा जो बाप दादा ने डायरेक्शन दिया होगा,
अरे आजकल बाबा ने क्या डायरेक्शन दिया है बच्चों को, विजय माला का आवाहन करो, विजय माला का आवाहन करना, माने विजय माला की जो हेड है उसका आवाहन हो जाएगा तो विजय माला आ जाएगी। कौन है विजय माला का हेड? राधा ही तो है। राम माने राम, धाम माने धारण करने वाली। राम भगवान को जिसने धारण कर लिया वो ही राधा। बाकी पटरानियां तो अनेक हैं, जो धारण नहीं कर पाती है तो पट में जाके गिरती है। राधा तो एक ही है जो पूरा ही धारण कर लेती है। बाकी बच्चे बनकर खाना बनाते हैं घर पे, या बनाने के बाद वो घर में जो भी रहता है वो पहले ले लेता है खाना पीना, वो लोग खाने के बाद हम लोग खा सकते हैं। बाबा जो ज्ञान में चलता है वो जो घर पे खाना बनाता है, घर में माता जी ज्ञान में चलती है घर पे खाना बनाती है, पर जो घर पे ज्ञान में नहीं चलने वाले पहले खाना खा लेते हैं, मतलब बर्तन को छू लेते हैं। छू लेते छूने से क्या, तुम छू लो तो ब्राह्मण का बर्तन हो जाएगा। उनका ये कहने का कहा सूत्र छू लेते हैं तो सूत्रों का हो गया, तुम छू दो तो ब्राह्मण का हो जाएगा, बाद में छू दिया करो। जब ज्ञान में चलने वाले बनाए थे दूसरे ने छू लिया तो ऐसा शूद्र का हो गया, फिर दोबारा वो छूने से ब्राह्मण का हो गया। उसी प्रकार जब शूद्र ने काना बनाया, जब शूद्र ने काना बनाया जब ब्राह्मण ने छू लिया तो या तो सिर्फ छूने की बात है, बनाने की तो बात ही नहीं है। क्यों भाई बनाने की बात कही क्या? ये तो मनमत मिक्स करता है, भगवान की बातों में तो मनमत मिक्स करते ही थे। अष्टदेव जो सूक्ष्म बीज हैं वो अपने धर्म के मुखिया में प्रवेश करते हैं। अष्टदेव सूक्ष्म बीज है क्या? अष्टदेव नीचे वाले हैं या ऊपर से आते हैं? अष्टदेव तो नीचे वाले ही, सच के आदि से नीचे ही होते हैं, वो सूक्ष्म नहीं है, वो तो साकार है सृष्टि की आदि से। जैसे राम वाली आत्मा सारी मनुष्य सृष्टि का साकार बीज है, ऐसे ही जो और अष्टदेवों की लिस्ट में है वो सब साकारी बीज है, उन्हें सूक्ष्म बीज नहीं कहेंगे। जो अष्टदेव हैं वो अपने धर्म के मुखिया में प्रवेश करते हैं, अपने धर्म के मुखिया में प्रवेश करते हैं। उनका अपना धर्म कौन सा है? अरे अष्टदेवों का अपना धर्म कौन सा है? सूर्यवंश है, चंद्रवंश है, इस्लाम वंश है, बौद्धि वंश है, सिख वंश है, कौन सा वंश है? तो अष्टदेव सब अपने धर्म के मुखिया में प्रवेश कर, राम वाली आत्मा में प्रवेश करते हैं क्या? क्या उल्टा पलटा लिख दिया अमा? जैसे कि अष्टदेव में दूसरा मत का, अरे एक बात तो हल होने दो, रुको रुको, धीरे धर्म धीरे धर्म, अरे तेरा नंबर भी आएगा पूरा बाबा उसी पॉइंट के ऊपर। हाँ पहले पूरा पॉइंट तो होने दो। तो अष्टदेव है वो धर्म के मुखिया में प्रवेश करते हैं,
वो मुखिया अर्थात जो नारायण बनने वाले आधारभूत में प्रवेश करते हैं और वो आधार मुहूर्त में धर्म पिताएं प्रवेश करते हैं। अभी उसका उल्टा होता है, तो ये पॉइंट उदाहरण के लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी का देते हैं, उसे समझाइए कैसे प्रैक्टिकल में होता है। यहां लिखने वाले को पता नहीं है कि सूक्ष्म बीज है ऊपर से आने वाले, वो चाहे संगम में आते हो अपना धर्म स्थापन करने के लिए अथवा द्वापर कलयुग में आते हो अपना धर्म स्थापन करने के लिए। जो सूक्ष्म बीज आते हैं इब्राहिम बुद्ध कैसे गुरु नानक अथवा शिव बाप, ये डायरेक्ट परमधाम से आते हैं और किसमें प्रवेश करते हैं, आधार मुहूर्त में प्रवेश करते हैं। वो तो दूसरे धर्म वालों की बात हो गई। इसे सूर्यवंश चंद्रवंश में समझना है। तो चंद्रवंश में आधार है या बीज बाप है, आधार रूपी जड़े हैं, माताएं हैं। और धर्मों में ऐसा नहीं होता है। ये सूर्यवंश चंद्रवंश में ये प्रवृत्ति मार्ग है। तो शिव बाप जब आते हैं तो पहले बीज का रूप धारण करते हैं। बीज में भी कोई बीज ऐसे होते हैं जिनके दो दल होते हैं। आज से ही प्रवृत्ति मार्ग के कोई बीज ऐसे होते हैं जो दो दल वाले नहीं होते हैं, एक ही होता है। जैसे मक्का, बाजरा, ज्वार, गेहूं, जौ और जो दालों वाले बीज होते हैं वो दो दल वाले होते हैं। तो ऐसे शिवबाप जब आते हैं तो दो दल में प्रवेश करते हैं। दोनों ही बीज रूपात्मय हैं, परंतु एक है माता के रूप में नीचे जाने वाला और एक है पिता के रूप में ऊपर जाने वाला। यज्ञ के आज में शिव बाप ने जगत पिता और जगदम्बा जो रुद्रमाला के बीज हैं उन बीजों में साथ साथ प्रवेश किया। आदमी वो सूर्यवंश का फाउंडेशन है, उसमें जो माता है वो चंद्रवंश का फाउंडेशन डालती है। शिव बाप नहीं डालता चंद्रवंश का फाउंडेशन। यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा ने उस माता की मत पर चलकर दिखाया, माता को पहचाना, बाप को नहीं पहचाना। ये चंद्रवंशी हुआ।
दो हैं, आकाश जिसे द्युलोक कहा जाता है वो है पिता, और पृथ्वी जिसे माता कहा जाता है। तो माता हुई जगदम्बा, तो जगदम्बा ने कृष्ण बच्चे को जन्म दिया। जिस बच्चे को जन्म दिया वो संपन्न स्टेज वाला बच्चा है, ज्ञानी स्टेज वाला बच्चा है या प्रकृति का पुतला है? सिर्फ कहेंगे सिर्फ प्रकृति का पुतला, इसकी बुद्धि में ज्ञान की गहराई नहीं बैठती। चंद्रमा इसे रोशनी लेता है, बात किसकी मानता है, सूर्य की मानता है या माँ की बात मानता है? असुर जो होते हैं, एक असुरों की सृष्टि हुई है, एक देवताओं की सृष्टि शास्त्रों में दिखाई है। असुरों की सृष्टि में कश्यप और उनकी दो पत्नियां दिति और अदिति दिखाई, दिति से देवता हुए और अदिति से, हाँ अदिति से देवता हुए और दिति से दैत्य हुए। दिति कहा जाता है खंडित को, इसकी पवित्रता खंडित हो जाए उससे दैत्य पैदा होते हैं, राक्षसों का जन्म होता है। तो ऐसे ही यदि के आदि में दो माताएं थी, एक छोटी माँ कहा जाता है और एक बड़ी माँ कहा जाता है। जो बड़ी माँ है वही पृथ्वी का पार्ट है, वो विस्तार का पार्ट है, सार का पार्ट नहीं है। विस्तार जब होता है पृथ्वी का तो पवित्रता उड़ जाती है। कोई पृथ्वी जब सार रूप में होती है, भारत मां कही जाती है सिर्फ, तब पवित्रता होती है, संपूर्ण पवित्रता। उस पवित्रता की जो औलाद बनते हैं वो देवता कही जाते हैं। तो पृथ्वी का बच्चा हुआ चंद्रमा, वो चंद्रमा जो पृथ्वी का बच्चा है वो फिर हो गया आधारभूत, क्योंकि जो माता को फॉलो करने वाले हैं, प्रकृति को फॉलो करने वाले हैं, बाप को नहीं मानने वाले हैं, उनकी बुद्धि जड़त्वमयी होगी या सूक्ष्म होगी, उनकी बुद्धि ही जड़त्वमयी होती है। वो जड़त्वमयी असुर असुरों की ही पैदाइश करते हैं, असुरों का ही संवर्धन करते हैं। इसलिए ब्रह्मा की गोद में सूर्यवंशियों के अलावा हर धर्म की आत्माएं पलती रही। शास्त्रों में भी यही बात दिखाई है। ब्रह्मा ने किसको वरदान दिए? असुरों को वरदान दिए या देवताओं को विशेष वरदान दिए? असुरों को ही विशेष वरदान दिए, असुरों का ही परिवर्तन किया। तो जो असुरों का परिवर्तन हुआ वो तब तक होता है जब तक साकार शरीर से ब्रह्मा जीवित रहता है। साकार शरीर छूटने के बाद वही आत्मा जो आधार मूर्त है, जिसमें बीज ने प्रवेश किया था,
उसमें प्रवेश किया था? कौन से बीज ने प्रवेश किया था? एक है सूक्ष्म बीज शिव और एक है साकार बीज प्रजापिता। वो ज्ञान चंद्रमा रचना है या रचयिता है? रचना साकार होती है या निराकार? साकार की रचना साकार से होगी या निराकार ज्योति बिंदु शिव से होगी? साकार से रचना हुई। जैसे असुर कश्यप को नहीं मानते हैं, है तो उनका पिता माता को ही मानते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा ने बाप को नहीं पहचाना, बाप को वजूद नहीं दिया। किसको वजूद दिया? जगदम्बा माता को वजूद दिया, माता को सदैव सम्मान दिया। तो माता पांच तत्वों वाली है। माता जो पांच तत्वों वाली है उससे साकार ब्रह्मा का जन्म हुआ। वो साकार ब्रह्मा जब तक देह रहती है तब तक मनन चिंतन मंथन की स्टेज नहीं बन पाती, और जब शरीर छूट जाता है तो वो ही आत्मा फिर प्रवेश करती है। जब प्रवेश करती है तो संगम में वो उसके लिए असली शुरू होता है या अंत होता है? असली संगम युग तब शुरू हुआ जब ब्रह्मा की सोल ने बाप के पाठधारी को पहचाना, बल पूरा नहीं पहचाना। तो बाहर की दुनिया में सूक्ष्म बीज आधार मूर्त में प्रवेश करते हैं। यहां ऐसा नहीं है, यहां वो सूक्ष्म बीज शिव रुद्रमाला में भी जो आधार है बीजों का जगदम्बा माता उसमें प्रवेश करता है। और जगदम्बा से जो बच्चा पैदा होता है पहला पहला उसमें फिर प्रवेश करता है जगत पिता, जिसे राम वाली आत्मा कहा जाता है। वो भी कब प्रवेश का किया हुआ कहेंगे? जब उसके ऊपर पूरा सदैव के लिए सवार हो जाए वो सारथी जीवन संपन्न जीवन नहीं है। जब संपन्न जीवन बन जाता है पुरुषार्थ में तो राम वाली आत्मा कृष्ण वैल वाली आत्मा पर प्रवेश कर लेती है, सवारी कर लेती है। शिव तो राम में ही प्रवेश रहता है लेकिन राम वाली आत्मा कृष्ण में प्रवेश करती है। जब कृष्ण को कंट्रोल कर ले तो विकारी प्रवृत्तियां बंद हो जाती है, दुनिया ही बदल जाती है। इसलिए कहते हैं कि एक के पतित होने से सब पतित हो जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते। तो ब्रह्मा वाली आत्मा है आधार मूर्त, राम वाली आत्मा है बीज रूप, लेकिन साकार बीज है, निराकार बीज नहीं है। और धर्मों में भी साकार बीज होते हैं। जैसे बौद्ध धर्म में आधारभूत है सिद्धार्थ, सिद्धार्थ है नारायण बनने वाली तीसरी आत्मा, जो सतयुग में तीसरा नारायण बनता है, वही आत्मा द्वापर में जाकर के सिद्धार्थ के रूप में जन्म लेती है। वो आधार मूर्त है महात्मा बुद्ध के लिए, जो आत्मा ऊपर से आती है। सिद्धार्थ को जन्म देने वाला जरूर कोई बीज है,
वो बीज है शुद्धोधन। जो शुद्धोधन है वो बौद्ध धर्म का बीज है, बौद्ध धर्म का बाप है, ग्रेट फादर है, परंतु ग्रेट ग्रेट फादर नहीं है। वो कौन है? जो राम वाली आत्मा है वो उसको भी जन्म देने वाली, उसका भी बाप है, इसलिए वो साकार बीज है उस धर्म पिता का, सूक्ष्म बीज। महात्मा बुद्ध ऊपर से आता है, वो साकार में प्रवेश करता है। यहां क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना होनी है, बौद्ध धर्म तो निवृत्ति मार्ग का है, द्वापर से आने वाले सभी धर्म निवृत्ति मार्ग के, थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं तो सिख धर्म वाले फॉलो करते हैं, परंतु वो तो सिख ही है, देवता धर्म की तरह दो वंश तो नहीं है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी। यहां तो बाप आते ही रुद्रमाला के रूप में ही दो बीजों की स्थापना कर देते हैं, जगदम्बा है चंद्रवंश का बीज और राम है सूर्यवंश का बीज। तो राम वाली आत्मा वो स्थूल बीज है, साकार बीज है, साकार बीज कमजोर पड़ जाता है अंत में, इसलिए कृष्ण वाली आत्मा उस पर सवार हो जाती है। सवार हो करके जब तक पुरुषार्थी जीवन चलता है तब तक उससे अपने तरीके से चला देगी। जब राम वाली आत्मा हाई जंप लगाती है तो बैल पर सवार हो जाती है, फिर अपने तरीके से नहीं चला सकेगी, बात बदल जाती है। अभी अभी सारी दुनिया में रावण राज्य है, असुरों का राज्य है या सूर्यवंशियों का राज्य है? अभी सारी दुनिया में सूर्यवंशियों का राज्य नहीं है और राम वाली आत्मा का राज्य नहीं है। दुनिया के ऊपर तो छोड़ो, अपनी घरवाली के ऊपर ही राज्य नहीं है तो दुनिया के ऊपर तो होने का सवाल ही नहीं है। तो यहां जो पूछा है कि अष्टदेव धर्म के मुखिया में प्रवेश करते हैं, तो जो देवी देवता सनातन धर्म है वास्तव में वो धर्म का मुखिया है क्या? है वो तो आधार मूर्त है। धर्म का मुखिया कहां से आता है? ऊपर से आता है। हाँ, ये कहेंगे धर्म का अगर साकार कोई मुखिया है चंद्रवंश का तो जगदम्बा है। वो जगदम्बा रुद्रमाला में चंद्रवंश का बीज है और राम वाली आत्मा सूर्यवंश का बीज है। बाकी और धर्मों के भी बीज हैं, जो बीज अपने टाइम पर प्रत्यक्ष हो जाएंगे, अभी भी प्रत्यक्ष हो रहे हैं। बाबा, हमने संकल्प विकल्प आते हैं तो मन चिंतन चिंतन मतलब है तो मनन चिंतन मंथन सत्य का करना है या असत्य के लिए करना है? सत्य के लिए किया जाए वो असली सागर मंथन है, जिस सागर मंथन से रतन निकलते हैं
और जो मन में विकल्प आते हैं, वि माने विपरीत, जो विपरीत संकल्प चलते हैं, काहे के विपरीत, जो बाबा ने ज्ञान सुनाया है, बाबा ने जो श्रीमत दी है, उस श्रीमत के विपरीत संकल्प चलते हैं, उन्हें विकल्प कहा जाता है। वो विकल्प झूठ खंड की रचना रचते हैं, कहते हैं ये ड्रामा बना बनाया है, लेकिन बना बनाया ड्रामा है कि हम बना रहे हैं, है? हम बना रहे हैं, जान बूझ करके बना रहे हैं। हम जानते हैं कि ये बाबा की श्रीमत नहीं है, ऐसा सोचना, ऐसा बोलना, ऐसा कर्म करना ये बाबा की श्रीमत नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं, फिर भी करते हैं, जानते हैं फिर भी करते हैं। तो असत्य की दुनिया की शूटिंग कर रहे हैं या सत्ययुग की शूटिंग कर रहे हैं? झूठी दुनिया की शूटिंग कर रहे हैं, झूठी दुनिया में ही उन संकल्पों का फल मिलेगा जो वे जिन्हें विकल्प कहा जाता है। अगर हमारे अंदर ज्ञान है तो ज्ञान के बल से उन विकल्पों को तुरंत क्या करें, तुरंत कट कर देना चाहिए, क्योंकि जानते हैं ये 63 जन्मों की रील है, वो अभी रील घूम रही है। जो रील घूम रही है उस रील में अब हमको क्या पार्ट बजाना है, जैसी रील घूम रही है वैसा ही चक्का चलने दें, या उसको जहां का तहां स्टॉप करें अगर पाप कर्मों का संकट चल रहा है? जो करेगा सो पावेगा, जो खुला छोड़ देगा तो विकल्प आते ही रहेंगे, पाप की दुनिया बनती ही रहेगी, हम अपने लिए दुख कमाते ही रहेंगे, पाप से होते हैं दुख। और जो रास्ता बाप बताते हैं वो पुण्य आत्मा बनने का बताते हैं या पाप आत्मा बनने का बताते हैं? पुण्य आत्मा होते हैं देवताएं, बाप हमें देवता बनाने आया है। तो पाप के संकल्प, पाप की वाचा, पाप के कर्मों को तुरंत तिलांजलि देनी चाहिए। तो कहेंगे हम विचार सागर मंथन की ओर बढ़ रहे हैं, सत्य का मंथन, ज्ञान का मंथन, वही विचार सागर मंथन। बाकी जो विकल्प आते हैं उनका ही मंथन करते रहे, उन पर तराप न लगाएं, चालू बना रहने दें, तो हम अपने लिए पाप की दुनिया बना रहे हैं। 10 करोड़ के अलावा 500-700 करोड़ आत्माएं, जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, सब अपने लिए पाप की दुनिया बनाती रहेंगी। वो पुण्य के संकल्प नहीं करेंगे, पाप के संकल्पों पर ब्रेक नहीं लगाएंगे, इसलिए पाप की दुनिया में ही जन्म लेंगे। पुण्य की दुनिया सत्य त्रेता में जन्म नहीं लेंगे।